नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने की विधायक दल की बैठक। बीते दिन बजट सत्र का दूसरा दिन खत्म होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक आयोजित की। इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब होकर कई मुद्दों पर जानकारी दी गई। बैठक में सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। वहीं नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आगामी 24 फरवरी को फिर से एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें कई तरह की जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें काम करने के तरीके के बारे में भी बताया जाएगा और विपक्षी हमले का जवाब देने के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं कोरोना के संबंध में उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। बिहार में कोरोना की जांच की जा रही है और इसके साथ ही सभी लोगों को वैक्सीन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय ने निकाली रिक्तियां। मुंबई उच्च न्यायालय ने आशु लिपिक के कुल मिलाकर 12 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक कांड में हुआ बड़ा खुलासा। शुक्रवार के दिन हुई मैट्रिक परीक्षा की पहली पाली में हुई सोशल साइंस के पेपर लीक कांड में जमुई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। छानबीन के दौरान पता चला है कि जो प्रश्न पत्र लीक किया गया और वायरल हुआ वह जमुई के झाझा स्थित SBI ब्रांच से बाहर आया था। जानकारी मिली कि इस ब्रांच में रिजर्व रखे गए क्वेश्चन पेपर को ही वायरल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए देर रात SBI के बैंक कर्मी शशिकांत चौधरी और अजीत कुमार के साथ ब्रांच के स्वीपर विकास दास को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से जांच के बाद ये बात सामने आई है कि बैंक के स्वीपर विकास ने मैट्रिक के प्रश्न पत्र को लीक किया था। आरोपी विकास का एक संबंधी मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, इसलिए उसने पेपर को लीक किया था, जिसके बाद व्हाट्सएप से वह वायरल हो गया था। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब आगामी 8 मार्च को सोशल साइंस की परीक्षा फिर से ली जाएगी। मैट्रिक परीक्षा कैंसिल हो जाने के बाद छात्राओं ने किया जमकर बवाल। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस के पेपर लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बोर्ड ने पेपर लीक मामले के बाद सोशल साइंस की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इस विषय की परीक्षा 8 मार्च को फिर से ली जाएगी। वहीं परीक्षा के रद्द होने की खबर सामने आते ही परीक्षार्थी आक्रोश से भर उठे हैं। राजधानी पटना में इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने अपना गुस्सा आम लोगों पर निकालना शुरू कर दिया है और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाकर हमला किया। परीक्षा के रद्द होने की खबर सुनते ही AN कॉलेज के मैट्रिक की परीक्षा देने आए छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और आने जाने वाले लोगों पर ईंट भी फेंकने लगे। वहीं आक्रोशित छात्रों ने नगर निगम की गाड़ी को भी पलट दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से इंकार कर रही है। राज्य में 100 करोड़ से अधिक का बॉडीगार्ड घोटाला आया सामने। कैग की रिपोर्ट में एक नए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इसके अनुसार बिहार में कई आपराधिक किस्म के लोगों को भी सरकार की तरफ से बॉडीगार्ड रखने की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके एवज में उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं की गई। इस रिपोर्ट से पता चला है कि सिस्टम की मिलीभगत से बॉडीगार्ड घोटाला कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा के राजस्व को चूना लगाया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक RTI एक्टिविस्ट ने बड़ी संख्या में लोगों को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले में कैग से जानकारी मांगी थी, जिसके बाद इस जानकारी में प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में वित्तीय गड़बड़ियों का पता चला। कैग की रिपोर्ट से बिहार पुलिस मुख्यालय भी अवगत है। लगातार 12वें दिन बढ़ी डीजल पेट्रोल की कीमत। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आज 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिलों में सरकार के प्रति लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजधानी पटना में डीजल पेट्रोल की कीमत में 37 से 38 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पेट्रोल का नया भाव 92.91 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का नया भाव 86.22 रुपये हो गया है। वहीं तेल की बढ़ती कीमतों से लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति अब बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे उनके घर का बजट बिगड़ने लगा है। यहां आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के दौरान अलग अलग जिलों से कई अच्छी बुरी खबरें सामने आ रही है। जहां बीते दिन नालंदा जिले में परीक्षा के दौरान एक छात्र की मौत हो जाने की खबर सामने आई थी, वहीं इस बीच एक अच्छी खबर भी मुजफ्फरपुर जिले के MDDM कॉलेज परीक्षा केंद्र से आई है। यहां परीक्षा देने आई एक छात्रा को परीक्षा के दौरान ही अचानक से प्रसव पीड़ा होने लगी,
जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान छात्रा ने परीक्षा के दौरान अपने पुत्र के जन्म लेने के कारण उसका नाम इम्तिहान रख दिया। वहीं मां बनने वाली छात्रा ने बताया कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है और वह कोई भी परीक्षा नहीं छोड़ेगी। विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन ने खेली धाकड़ पारी। विजय हजारे ट्रॉफी का शानदार आगाज हो चुका है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के एलिट ग्रुप बी में झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच मैच खेला जा रहा है। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने उतरी झारखंड टीम के कप्तान और विकेटकीपर ईशान किशन ने मैच की शुरुआत ताबड़तोड़ अंदाज में किया है। हालांकि झारखंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पहला विकेट 10 रन पर ही गंवा दिया, मगर उसके बाद पिच पर उतरी ईशान किशन और कुशाग्र की साझेदारी ने 113 रनों की शानदार पारी खेली। इसमें ज्यादातर रन कप्तान ईशान ने ही बनाया। 94 गेंद पर 19 चौके और 11 छक्कों की मदद से 173 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं इसी के साथ विजय हजारे ट्रॉफी में बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर मामले में ईशान 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4-लेन पुल बनाने का रास्ता हुआ साफ। अब जल्द ही भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर 4-लेन पुल बनाने का काम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए कंपनी का फैसला हो चुका है। आपको बता दें कि पुल निर्माण के लिए 7 निर्माण कंपनियों ने बिड डाला था, लेकिन इन सब में L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बाजी मार ली है। अब अगले 3 महीने के अंदर निविदा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद काम को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल ही पुल निर्माण की आधारशिला रखी थी। परियोजना की कुल लागत 1,116.72 करोड़ रुपए है। पुल बनाने का काम 4 सालों में पूरा हो जाएगा। नए समानांतर पुल के बन जाने से विक्रमशिला सेतु के ऊपर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। अब मैट्रिक परीक्षा के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हुआ वायरल। बीते दिन ही मैट्रिक की सोशल साइंस के पेपर लीक मामले ने राज्य की सियासत में भूचाल सला दिया, जिसके बाद पेपर को भी रद्द कर दिया गया। वहीं अब परीक्षा के चौथे दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र वायरल हो जाने की खबर आग की तरह फैल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चौथे दिन अंग्रेजी का पेपर भी वायरल हो गया। जैसे ही परीक्षार्थियों को यह खबर लगी कि उनमें पेपर लेने की होड़ सिमच गई। हालांकि वायरल हुआ यह पेपर सही है या गलत, इस बात की पुष्टि बिहारी न्यूज नहीं करता है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में मीडिया के लोगों ने अब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो संलिप्त लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए नेताओं को ट्रेनिंग देंगे सीएम नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों के खिलाफ अमर्यादित बातें बोलने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश लाया था, जिसके बाद विपक्षी दल से लेकर कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की बात कर रहे थे। अब नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए नेताओं को ट्रेनिंग मिलेगी। ये बात उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सत्र के खत्म होने के बाद पार्टी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ इन दिनों साजिश के तहत दुष्प्रचार कर लोगों को भरमाया जा रहा है। ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों के जवाबों का माकूल जवाब देने के लिए जदयू नए मंत्रियों को ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग बुधवार को दी जाएगी। जल्द ही बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बिहार आने वाले हैं, इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने दी। हालांकि राहुल गांधी किस तारीख को बिहार आएंगे इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमत और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी करने की बात कही। वहीं उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट और अपराध के मुद्दे पर किस तरह से सदन में सवाल उठाना है इस पर भी चर्चा की गई। वहीं इस दौरान ये भी बताया गया कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास भी कल से बिहार के कई जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बिहार सरकार के इस मंत्री ने दे दिया विवादित बयान। बिहार मंत्रिमंडल के पर्यावरण मंत्री नारायण प्रसाद पत्रकारों से बातचीत में अजीबोगरीब बयान दे दिए। दरअसल महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर पत्रकारों ने पर्यावरण मंत्री से उनका पक्ष जानने के लिए सवाल किया। इस पर मंत्री ने अपना अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि लोगों को महंगाई की आदत सी हो गई है, महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इससे जनता परेशान नहीं है। वैसे भी आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है, इसलिए आम लोगों को बढ़े हुए दामों से कोई परेशानी नहीं हो रही है। मंत्री ने कहा कि बजट आता है तो थोड़ी महंगाई जरूर होती है, आम जनता पर इसका आंशिक असर होता है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह की रिलीज डेट जारी हुई। करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शेरशाह के दो नए पोस्टर को शेयर करते हुए फिल्म के रिलीज डेट की जानकारी दी है। यह फिल्म 2 जुलाई को सिनेमाघरों के बड़े पर्दों पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनेत्री कियारा आडवाणी के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं। इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कैप्टन बत्रा की अनकही कहानी बड़े पर्दे पर दिखाए जाने के लिए तैयार है। हम उनकी जर्नी को दिखाने के लिए काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल करते नजर आएंगे। देश में कोरोना की रफ्तार हुई कम। देश भर में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। हर दिन मिल रहे मामलों के आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अब राहत की सांस लेता नजर आ रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 13,993 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या देश में 1,09,77,387 पर पहुंच गई है। वहीं 101 लोगों की बीते 24 घंटे में जाने गई हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,43,127 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अब तक 1,06,78,048 मरीज कोरोना जैसी बीमारी को मात देने में कामयाब हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार पेपर लीक मामले में मैट्रिक के सोशल साइंस विषय की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों द्वारा उत्पात और हंगामा करना सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।